हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। आज आपको लेके आ गए हैं चंबल पर। ये है चंबल और अभी हम चंबल के बीचों बीच खड़े हैं। नीचे आप देख पा रहे होंगे रेत, ये गिरी रेत है, उस तरफ सूखी रेत है। दोस्तों ये छोर है, ये है उत्तर प्रदेश। ये पूरा इलाका उत्तर प्रदेश में आता है, इसको हम भदावर इलाका कहते हैं, भदावर क्षेत्र पूरा ये। और इस तरफ भी क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा है मध्य प्रदेश, ये भी भदावर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक टाइम में भदावर राजा का ये पूरा का पूरा क्षेत्र उन्हीं के कब्जे में हुआ करता था। दोस्तों सामने चंबल यहाँ से आ रही है और आगे की तरफ पानी जा रहा है, आप सामने देख पा रहे होंगे। पानी काफ़ी साफ है, आपको नीचे रेत वगैरह दिख जाएगी, एक अच्छी बात है। चंबल कुछ ऐसी नदियों में से एक है जिनका पानी आज भी साफ और काफ़ी हद तक पीने लायक है। बाकी जो नदियां हैं उनके पानी का हाल तो आपको मालूम ही है, जैसे जमुना और बाकी जो नदियां हैं, लेकिन चंबल नदी में पानी काफ़ी हद तक साफ है। क्यों है? इसका एक रीज़न है दोस्तों, इसका रीज़न है कि ये बहुत ही कम शहरों से होकर निकलती है, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से होकर निकलती है। तो इसमें जो नाले वगैरह हैं वो कम से कम मिले हुए हैं। कुछ ही शहर हैं जहाँ पर इसमें नाले वगैरह मिलते हैं, इसीलिए इसका पानी काफ़ी हद तक साफ है। दोस्तों हम हर दिवाली, होली, दशहरे, बाकी त्योहारों पर यहाँ पर पक्का आते हैं। सामने आप देख पा रहे होंगे जो गाय भैंसे हैं वो मध्य प्रदेश की हैं और इस तरफ जो ये गाय भैंसे हैं ये उत्तर प्रदेश की हैं। तो दोस्तों बहुत ही शानदार हवा चल रही है, आपको मोबाइल में सुनाई भी दे रही होगी, मुझे बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो दोस्तों माफ़ करना हवा की वजह से अगर आपको तकलीफ हो रही हो, लेकिन यहाँ पर हवा का जो रुख है वो हर टाइम 12 महीना ऐसी रहता है, क्योंकि एकदम ओपन इलाका है ना, सीधा हवा इस तरफ से एंटर करती है और आगे की तरफ निकल जाती है। दोनों तरफ ऊंचाई है और यहाँ पे नीचा है, तो हवा ऐसे ही होके ऐसे बहती रहती है। तो दोस्तों ये था नज़ारा, अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।